आज हम जा रहे हैं करतारपुर साहिब से रोड़ी साहिब, जो अहमदाबाद में स्थित है। अब सभी संगत यहाँ पर बैठी हुई है, अभी इंतजार कर रही है। सिक्योरिटी वालों ने अभी हमें रोक रखा है। थोड़े समय के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी वाले हमें आवाज़ देंगे, तब हम बढ़ेंगे सिक्योरिटी के जो इनका मुख्य द्वार है उधर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉर्डर एरिया है, इसके कारण सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आप देख सकते हैं सामने गुरुघर की इमारत है और इसकी बाईं ओर आप देख सकते हैं सारी संगत लाइन में खड़ी हुई है। यहाँ पर अभी पूरी सबके पासपोर्ट चेक किए जाएंगे और आई कार्ड जमा करके हमें बाहर जाने दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लोकल बसेज में बिठाकर अब हम लोकल बस में बैठ रहे हैं। ये बस तकरीबन 1.5 किलोमीटर जाएगी। वहाँ पर फिर से एक चेक पोस्ट बना हुआ है, वहाँ पर हमारी बसेस खड़ी हुई हैं। फिर हम इन बसों में से उतरकर अपनी अपनी बसों में, जिस बस में बैठकर हम बॉर्डर से यहाँ तक आए थे, उस बस में फिर से हम जाकर बैठ जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी बसेज के पास। अब सभी संगत नीचे उतरती हुई और अपनी अपनी बसों की ओर बढ़ रही है। अब हमारी बस चल पड़ी है करतारपुर साहिब से रोड़ी साहिब। आप देख सकते हैं सामने शहर है, दुकानें हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य है इस शहर का आप देख सकते हैं। देख सकते हैं पाकिस्तान के ट्रक। अब हमारी बस यू टर्न लेते हुए शहर के दूसरी तरफ से घूमकर पहुंच रही है। बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं रोड़ी साहिब। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी हमारे साथ बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से सिक्योरिटी के पर्पस से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हमारी बस के साथ चल रही है। आप देख सकते हैं दृश्य इस चीज का। अब हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द गुरुद्वारा रोड़ी साहिब। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है।
हमारी यात्रा के दौरान जहां जहां पर भी संगत जाती है, पाकिस्तान सरकार की ओर से वहां पर सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी चारों तरफ खड़ी हुई है। अब हमारी बस मुड़ चुकी है गुरुद्वारा रोड़ी साहिब की ओर। अब संगत अपनी अपनी बस से नीचे उतर रही है गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे संगत बढ़ रही है गुरुद्वारा साहिब की ओर। यहां पर भी दूसरे गुरु घर की तरह ही लोग हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं, अपने हाथ में फूल माला और गुलाब के फूल की पंखड़ियां लेकर। परंतु यह दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम भाई भी सिख भाइयों के साथ में पूरी उत्सुकता से हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनके नज़दीक पहुँचें और वो हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करें और हमारे गले में फूल माला डालकर हमारा स्वागत करें। ये देखिए फूल माला डालकर सभी संगत का स्वागत किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, और फूलों की वर्षा भी की जा रही है। अब हम बढ़ रहे हैं गुरुद्वारा रोड़ी साहिब की ओर। आप देख सकते हैं सामने ही मुख्य द्वार है गुरुद्वारा साहिब का, बहुत ऊंची इमारत है और पुरातन समय की ये इमारत है। पूरे पाकिस्तान में आपको पुरातन इमारतें देखने को मिलेंगी। अब संगत अपने अपने तरीके से कोई किसी जगह के दर्शन कर रहा है और कोई सीधा गुरु घर की ओर जा रहा है। अब हम जा रहे हैं गुरु घर के अंदर। आप देख सकते हैं सामने गुरु घर का जो मुख्य द्वार है उस पर कितनी खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं गुरु घर के अंदर। यह गुरु घर के अंदर का दृश्य है, आप देख सकते हैं। अब संगत गुरु साहिब के दर्शन करने के लिए लाइन में लगकर इनके सामने ही दाई ओर सरोवर है। चलिए अब शुरू करते हैं इस गुरु घर का इतिहास। इस गुरु घर का नाम रोड़ी साहिब इसलिए पड़ा, गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी के समय इस स्थान पर पहुंचे थे। यहां पर गुरु नानक देव जी एक पुली पर बैठ गए और इस स्थान पर उस समय बहुत ही ज्यादा पत्थर हुआ करते थे, उसे पंजाबी में रोड़ी भी कहते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम रोड़ी साहिब पड़ा हुआ है। ये गुरु घर एमनाबाद पाकिस्तान में मौजूद है। यहां पर ही गुरु नानक देव जी ने भाई लालो की रोटियों में से दूध निकाला था। और आप देख सकते हैं सामने सिक्योरिटी वाले हर जगह पर खड़े हुए हैं। इसी स्थान पर गुरु नानक देव जी ने बहुत समय बैठकर तपस्या की, क्योंकि ये उस समय बहुत ही शांत इलाका था। गुरु साहिब बहुत समय यहाँ पर भाई लालो के घर पर भी गए और इसी स्थान पर काफ़ी समय बैठकर उन्होंने तपस्या भी की। आप देख सकते हैं इस गुरु घर की इमारत, बहुत खूबसूरत नक्काशी इस गुरु घर में भी की हुई है। आप देख सकते हैं सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और पाठी सिंह प्रसाद दे रहे हैं लोगों को जो भी नतमस्तक हो रहे हैं। अब हम आपको बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं इस गुरु घर का। अभी संगत फोटो करवा रही है अपनी याददाश्त के लिए। और ये सामने आप देख सकते हैं बहुत मजबूत पिलर, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इस पिलर का। आप देख सकते हैं ये भी मुख्य द्वार पर ही अंदर की तरफ बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत इमारत है इस गुरु घर की। अब सारी संगत बैठकर कीर्तन का आनंद ले रही थी। अभी पाठी सिंह प्रचार कर रहे हैं सामने खड़े होकर और संगत उनकी बातें सुन रही हैं। ये गुरु घर का बाहर का दृश्य है, आप देख सकते हैं।
ये तस्वीर हमने गुरु घर के ऊपर से ली हुई है। सामने आप देख सकते हैं पवित्र सरोवर और उसके सामने आप देख सकते हैं शहर दिखाई दे रहा है। ये ऊपर की इमारत का दृश्य है। ऊपर से आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार, सामने कैंप लगा हुआ है, मेडिकल कैंप है। और ये छोटे छोटे बच्चे कितने खूबसूरत है, ये लोकल यहीं के रहने वाले हैं, एमनाबाद के ही। और साथ में हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये यहीं पाकिस्तान की रहने वाली हैं। अब हम जा रहे हैं लाहौर, गुरुद्वारा डेरा साहिब। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में हम आपको दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर के।